हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट कहाँ civilsidebusiness.com पे भी मिल जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो डक्ट्स होते हैं हमारे, केबल डक्ट हो गया या जो कोई भी डक्ट हो गया, डक्ट से ही आपको पता चल रहा है, तो वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने का रीज़न क्या होता है, और ड्राइंग में कैसे मेंशन किए होते हैं, वो ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा, मतलब कैसे ड्राइंग में दिया रहेगा, कैसे आपको उसको फॉलो करना है, उसका पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम डक्ट प्रोवाइड क्यों करते हैं। ये आप सामने देख रहे हो, हमारा एक केबल डक्ट है, मतलब केबल डक्ट इसमें प्रोवाइड करना है। इस प्रोवाइड करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा रैंप आएगा इन फ्यूचर, मतलब इसके ऊपर पेविंग आ जाएगी, और पीछे यहाँ से आगे, ये सामने पीछे आप देख रहे हो, ये एक केबल ट्रेंच है, तो आगे केबल्स जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ हम डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा केबल डक्ट है। यहाँ क्या है, तीन मतलब सिक्स पाइप आ रही हैं, और इसके ऊपर क्या होगा, बाद में कंक्रीट के बाद फिलिंग हो जाएगी और इसके ऊपर हमारा रैंप बन जाएगा। इसका मैं ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, पहले ड्राइंग से आपको अच्छे से पता चल जाएगा है क्या चीज़ है, उससे मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको क्यों प्रोवाइड करना होता है और इसमें ड्राइंग में कैसे दिया रहता है। तो सामने आप ड्राइंग देख रहे हो, ये रहा हमारा उसका केबल डक्ट सेक्शन, मतलब उसने एक सेक्शन काट के दी है, बीच में से एक सेक्शन काटी हुई है, तो सामने दिख रही है छः पाइप है हमारी, ठीक है, 150 डाया की यहाँ लिखी हुई है, 6 इंच की। तो ये आपको प्रोवाइड करनी है, और इसकी हाइट कितनी प्रोवाइड करनी है, 650 इसकी हाइट रखनी है। और जो इसमें स्टील प्रोवाइड करना है वो कैसे प्रोवाइड करना है, सामने साइड पे आप देख रहे हो दिया हुआ है 10 डाया का, 180 का सेंटर आपको प्रोवाइड करना है, और जो पूरा टोटल स्टील होगा वो 180 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। और मेन चीज़ जो देखनी होती है आपको, RL देखना, मतलब जो उसका लेवल रहेगा पाइप का, वो आपको देखना होता है। यहाँ देखो 225 पे उसका सेंटर है, अभी मैं साइड पे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, जैसे आपने सेक्शन में देखा हमारा पीक पाइप कैसे प्रोवाइड करनी है, वैसे ही यहाँ पाइप प्रोवाइड की हुई है। देखो उसकी हाइट मेंटेन कर लेनी है, जैसे भी आप लेवल लो, वाटर लेवल से लो, ऑटो लेवल से लो। तो मेन चीज़ जो ये डक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, एक तो उसका लेवल, जो पाइप आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अकॉर्डिंग ड्राइंग होनी चाहिए पूरा, मतलब उसका लेवल अगर दिया रहता है तो वो सेंटर वाइज वहाँ प्रोवाइड करना है। दूसरी चीज़ क्या प्रोवाइड करनी है, उसको प्रॉपर स्पेसिंग डिवाइड करना है, अगर उसको स्पेसिंग दिया हुआ है तो इतना जगह छोड़ना है कि उसमें एग्रीगेट एटलीस्ट जा सके, ये चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि अगर वो अच्छे से वॉइड, उसमें वॉइड रह गया, बाद में अगर उस पर लोड पड़ा तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए क्या होगा, कंक्रीट हर तरह से उसमें घुसना चाहिए, अच्छे से वाइब्रेट करो वो बंध जाए। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जो आपको स्टील प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छे से आपको उसको कवर करके प्रोवाइड कर देना है, और एक्स्ट्रा बार आपको प्रोवाइड करनी है, जहाँ जहाँ पाइप होगी वो अच्छे से फिक्सिंग हो गया। देखो सामने एक बार हमारा पाइप वाइप सब फिक्स हो गया, उसके बाद उसका कंक्रीट हो गया, और उसके बाद उसमें फिलिंग करके हम आगे इन फ्यूचर उसमें रैंप बना देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा छोटा सा टॉपिक था कि क्यों हम डक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी मतलब पूछना है कुछ तो कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट मेरे को नहीं पहुँचते।